इस वीडियो को देखकर मुझे एस जयशंकर की ठग लाइफ की क्यों फीलिंग आ रही है यार। अभी 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, एस जयशंकर हिट्स एट यूएसए, हिट्स हार्ड एट यूएसए, कि भैया यूएसए पे उन्होंने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी। अब एक और तगड़ी स्टेटमेंट दिया, डू नॉट कंप्लेन यूक्रेन वार विद इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर जयशंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यार जयशंकर जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, एक पर एक एक पे एक। तो देखते हैं इस पर मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और टचिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल, वेलफेयर जो प्रशांत धवन। आवाज के समय डॉक्टर अजय शंकर की एक सर्टन वीडियो है, ये ऑनलाइन बहुत वायरल हुई है, जहां पर ये यूरोप के एक देश में बैठकर कह रहे हैं कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि यूरोप की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है, मगर कोई प्रॉब्लम अगर दुनिया के बाकी किसी कोने में एग्जिस्ट करती है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आप ये जो छोटी सी क्लिपिंग है ये देखें, उसके बाद इस कमेंट के पीछे जो मेन इनका पॉइंट था वो हम डिस्कस करेंगे, जो काफी आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में मिसिंग आपको मिलेगा। यू नो समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, but the world's problems are not Europe's problems. That it's, if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. I think that's something, and I see, you know, reflections of that. और मैं ऑनलाइन देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सराहना करी है इस पर्टिकुलर कमेंट की। लोगों ने कहा कि कितने एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डॉक्टर अजय शंकर ने इंडिया का जो स्टांस है यूरोप के सामने रखा है, और यूरोप को ये कहा है कि जब चाइना का इशू आता है, अफगानिस्तान का इशू आता है, तब आप लोग गायब हो जाते हो, मगर जब यूक्रेन का इशू सामने आया तो ये पूरा दुनिया का इशू बन जाता है। और मैं कहूंगा क्रिटिसिज्म ऐसे ही करना चाहिए। इमरान खान का आप अगर देखो तो तरीका कुछ और था, उन्होंने बहुत भोने तरीके से यूएस पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि यूएस गुलाम बनाना चाहता है हमको, हम गुलाम नहीं बनेंगे। वो एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है, उससे काफी बार कंट्रीज के रिलेशंस खराब भी होती है, मगर ये जो यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। और यूरोप में भी आप देखोगे ज्यादातर लोगों ने इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ा है, और मैं देख रहा था ज्यादातर जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये काफी हद तक रीजनेबल है, ये कुछ गलत नहीं है अपने आप में। मगर जयशंकर साहब यहाँ पर सिर्फ यूरोप को सुनाने के लिए नहीं आए थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हम पे प्रेशर में डालिए, नहीं, इनका जो मेन यहाँ पे कंटेक्स्ट था वो चाइना को लेकर था, जो मैं कहूंगा काफी हद तक ढक गया, क्योंकि यूरोप वाली जो कमेंट थी वही हर जगह छा गई थी। जयशंकर साहब ने आगे ये भी कमेंट करी कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि जो यूक्रेन में हुआ है इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया चाइना से, क्योंकि जब से यूक्रेन की वॉर हुई है और इंडिया मैं कहूंगा काफी हद तक न्यूट्रल रहा है, हमने रशिया से ऑयल परचेज किया है, तो यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, इवन यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने इंडिया को यह कह दिया, एक सटल तरीके से वार्निंग दी इंडिया को कि याद रखिएगा रशिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा गहरे हो रहे हैं, कल को अगर मान लो चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर और रशिया उस वक्त चाइना के सपोर्ट में आ गया तो इंडिया के केस में यूरोप और यूएस भी हो सकता है कि न्यूट्रल रहे, तब इंडिया क्या करेगा। लिटरली ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी इंडिया को। तो जयशंकर साहब ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि पहली बात तो ना यूक्रेन रशिया युद्ध को आप इंडिया चाइना फेस ऑफ से कंपेयर मत करो कि अगर यूक्रेन युद्ध हुआ है तो कल को चाइना भी इंडिया पे अटैक कर देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली बोला क्या था, इनकी स्टेटमेंट यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके अलावा इन्होंने इंडिया की विदेश नीति के बारे में ये भी क्यों कहा कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये है कि रिसेंटली एक देश है जिसने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपना नाम बदल दिया है, वैसे अपना नाम चेंज कर लिया था डोमेस्टिकली, मगर अब यूएन में जाकर भी अपना नाम इस कंट्री ने बदल दिया है, तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन यूक्रेन, साउथ कोरिया, मेक्सिको या फिर टर्की। बताओ किस कंट्री ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ड दूं। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि डॉक्टर अजय शंकर ने ये स्टेटमेंट दी कहाँ पर है, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऐसी ये इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया तो जवाब दे दिया, नहीं, आज के समय डॉक्टर अजय शंकर 5 दिन की विजिट पे गए हैं टू यूरोपियन कंट्रीज। ये 2 यूरोपियाई देश है, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें, यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से डॉक्टर अजय शंकर गए यहाँ पर यूरोप में, और आप नोटिस करेंगे मैप जो है यूरोप का, यहाँ पर स्लोवाकिया बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, जब यूक्रेन से बहुत सारे इंडियन छात्रों का इवैक्यूएशन हो रहा था, उनको हम निकाल रहे थे इंडिया में,
तो कुछ छात्र स्लोवाकिया के थ्रू भी इंडिया आए हैं। तो स्लोवाकिया आप कह लीजिए काफी हेल्पफुल कंट्री है इंडिया के लिए। उसके अलावा चेक रिपब्लिक को आप अगर देखें तो आने वाले समय में यह बनने वाला है यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उस दौरान चेक रिपब्लिक से लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। तो स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रासिस्लावा में सबसे पहले गए जयशंकर साहब और यहाँ पे जयशंकर साहब ने अटेंड किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबेस्क 2022। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है ग्लोबेस्क 2022 ब्रासिस्लावा फोरम। ब्रासिस्लावा कैपिटल है स्लोवाकिया की। और इसी कंट्री में बैठ के आप सोच कर देखिए एक ऐसा देश जिसकी लिटरली बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, बॉर्डर पार यूक्रेन में जंग चल रही है, तो यहां पर बैठ के डॉक्टर अजय शंकर साहब ने यह कहा है कि हम लोग चाहते हैं, इंडिया चाहता है कलेक्टिवली कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हमारे पीएम कह चुके हैं कि इस जंग में कोई जीतने वाला है नहीं, मगर साथ ही साथ इन्होंने यहां पर ऐड कर दिया कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ इट्स माइंडसेट। यूरोप का जो ये एटीट्यूड है कि जो मेरी प्रॉब्लम वो तुम्हारी प्रॉब्लम, जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम देखो, तुम्हारा अगर कल कोई इशू होता है अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को लेकर वहां पे हम तुम्हारी इतनी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले। और दूसरी बात, अब जब यूरोप इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है कि कल को चाइना हमको अटैक कर देगा, यहां पे जयशंकर साहब ने यह बोला कि चाइना को ये यूक्रेन वॉर देखने की जरूरत नहीं है इंडिया पे अटैक करने के लिए। अगर चाइना को अग्रेशन करना होगा इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे भी कर देगा, और अगर यूक्रेन वॉर ना भी होती ना तब भी हमको तुमसे ज्यादा उम्मीद थी नहीं कि तुम लोग हमको बचाने के लिए आओगे। तो जो ये डराने वाले टैक्टिक्स है यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के बाकी कंट्रीज के, इनको बहुत अच्छे से काउंटर किया यहाँ पर इंडिया के विदेश मंत्री ने। और ये कहा है कि चाइनीज डू नॉट नीड प्रेसिडेंट समवेयर एल्स ऑन हाउ टू एंगेज अस और नॉट एंगेज अस और बी डिफिकल्ट विद अस और नॉट बी डिफिकल्ट विद अस। और आगे उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि अगर यूरोप यहाँ पर ये मान के बैठा है कि चाइना तो देखिए इंडिया पे अटैक कर देगा तब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, तो यूरोप यहाँ पर ये भी समझ जाए कि इंडिया परफेक्टली कैपेबल है चाइना को संभालने के लिए, हमें इतना दम है आराम से। यूक्रेन तो रशिया में तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस था, तब भी हम देख रहे हैं रशिया बहुत स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन में। इंडिया चाइना का केस तो कंप्लीटली डिफरेंट है, वी आर अ न्यूक्लियर पावर नेशन, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ह्यूमंगस एयरफोर्स है, हमारे पास पैसा है, कल को अगर मान लीजिए हमको वेपन चाहिए होंगे हमें यूक्रेन की तरह वेपन्स मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इमरजेंसी बेसिस पर कुछ वेपन्स परचेज भी कर सकते हैं अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंपनी से। तो हम आपसे हेल्प खिलात में नहीं मांगेंगे, कुछ अगर वेपन्स परचेज करेंगे भी आपसे तो पैसे के दम पे करेंगे। तो ये बात यूरोप को समझानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अ लॉट ऑफ आर प्रॉब्लम्स इन चाइना हैव नथिंग टू डू विद यूक्रेन एंड हैव नथिंग टू डू विद रशिया, दे आर प्रिडेटेड, ये पहले से ही चल रहे हैं। इंडिया चाइना की वॉर 1962 में हुई थी, तब तो यूक्रेन बना भी नहीं था, तब यूक्रेन रशिया की कंट्री थी। फिर आगे जयशंकर साहब ने ये बोला कि इंडिया पे आप लोग आरोप लगाते हो कि इंडिया फेंस पर बैठा रहता है, इंडिया इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक्शन ना लो, जब आप बस वेट कर रहे हो कि जब मेरी बारी आएगी तभी मैं कुछ करूंगा। तो यहाँ पे इंडिया ने ये कहा ये देखो तुम यूक्रेन रशिया वॉर को ना पूरी दुनिया का केंद्र मान के बैठे हो, आप बाकी इश्यूज को अभी के लिए ऑलमोस्ट भूल ही चुके हो। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, आतंकवाद है, सिक्योरिटी है, ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इन सब इश्यूज में अगर पहले के गिनती के तीन देश हैं जिनसे आपको बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है जो आपकी हेल्प करेंगे, उनमें से एक भारत है, वहां पे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है, दुनिया की हेल्प कर रहा है। तो ये एज्यूम मत करो कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द फेंस, वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, हम बहुत प्रोएक्टिव हैं। हाँ, कुछ इश्यूज को लेकर हम आपसे एग्री नहीं करते, हमारे हो सकता है कि आपसे डिफरेंसेस हो, मगर उसका मतलब ये है कि आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड, मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूँ और आपके कहने पर अपना स्टांस चेंज नहीं करने वाला। सेकंडली इन टर्म्स ऑफ द कनेक्शन यू आर मेकिंग, लुक यू नो वी हैव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद चाइना, वी परफेक्टली केपेबल ऑफ मैनेजिंग इट। इट्स इफ आई गेट ग्लोबल understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. A lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia, they predate it. मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के स्टांस को इंटरनेशनली इतना क्लियरली किसी भी विदेश मंत्री ने इन द पास्ट रखा होगा। डॉक्टर अजय शंकर इज अ नेशनल ट्रेजर। इंडीड यस। खैर वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया है एट द यूनाइटेड नेशंस। तो सही उत्तर इसका है
ऑप्शन डी तुर्किये जी। क्या बात है, वीडियो के स्टार्ट में ठग लाइफ के मतलब देखने को मिल गए, मतलब बहुत जवाब देते हैं, हाजिर जवाब बड़ी जबरदस्त है जयशंकर, उनको पता कब क्या कैसे बोले और क्लियर बोलते हैं, कोई वो नहीं है कि कंफ्यूजन हो, साफ साफ बोलते हैं, तो बहुत मजा आता है, अलग ही लेवल होता है इनका। और यह जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो तो ओबियस बात है, उनकी हमेशा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रहती है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के रहे, फॉरन सर्विस में रहे, तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग उनका रहता है ओपिनियन। ये थी आज की मिक्स मैसेज रिएक्शन, आपको मेरे सेशन देखने मजा आया, वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।